नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हम बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, तो जो मुद्रा राक्षस है, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, इसका लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अश्व घोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी भास। तो इसका जो सही आंसर है वह है विशाखदत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है एक संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है और इसके जो लेखक हैं वह हैं विशाखदत्त। ठीक है, अब जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजनीतिक सफलता प्राप्त की है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके लिए ब्रसल ब्रसल शब्द का प्रयोग भी किया गया है, ये मुद्रा राक्षस में किया गया है। और ब्रसल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल का। ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न कुल का बताया गया है, यह आपको याद रखना है। उसके लेखक हैं विशाखदत्त। आगे बढ़ेंगे कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, तो नंद वंश। ठीक है, एक तो एक बात है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, तो अब घनानंद को हराकर या मारकर ही किसी ने क्या हुआ मगध पर अगला राजवंश स्थापित किया होगा। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका जो सही आंसर है वह है मौर्य वंश। ठीक है, तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, इनको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य राजवंश जो था एक भारत का एक प्राचीन राजवंश था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसकी स्थापना की थी, इसके बाद बिंदुसार, अशोक आदि महान राजा भी हुए हैं। तो यह है आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख थे इसको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही आंसर है वह है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, लेकिन अशोक ऐसा एक प्रथम शासक था कि जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। ठीक है, अशोक ने ही अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और इन्हीं शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफल हुआ जो पहला अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप। और कब इसने शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, 1837 में। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी हेमू। तो इसका जो सही आंसर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो आया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। आगे बढ़ेंगे कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। ठीक है, डायमेकस कब भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिंदुसार। ठीक है, तो जो डायमेकस है वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। और डायमेकस क्या था, यह सीरिया नरेश थे उस समय एंटियोकस उनका राजदूत था। कौन थे, सीरिया नरेश एंटियोकस थे उनका राजदूत था डायमेकस, और बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। ठीक है, पहले कौन थे, पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अंतिम थे बृहदत्त। इनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई, तो यह शुंग वंश की स्थापना किसने की, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी भागभट्ट।
तो इसका जो सही आंसर है वह है पुष्यमित्र। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि शुंग वंश की स्थापना की किसने? पुष्यमित्र ने। और जो पुष्यमित्र शुंग था यह मौर्य सेना का सेनापति था। ठीक है, मौर्य सेना में पहले क्या था? सेनापति था, लेकिन इसने बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। और जो शुंग वंश था यह लगभग 112 वर्ष, कितने साल? 112 वर्ष तक शुंग वंश ने क्या किया? शासन किया। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? कन्नौ वंश का संस्थापक हमें बताना है। ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी भूमिमित्र, ऑप्शन सी नारायण और ऑप्शन डी सुशर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है वसुदेव। ठीक है, तो वसुदेव था कन्नौ वंश का संस्थापक। अब कन्नौ वंश की स्थापना कब हुई? तो कन्नौ वंश की स्थापना हुई 75 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसने की? वसुदेव ने की, यह आपको याद रखना है। और किसकी हत्या की? तो शुंग वंश के थे अंतिम शासक देवभूति, कौन थे? देवभूति की हत्या की और इन्होंने कन्नौ वंश का संस्थापक किया, यानी कन्नौ वंश की स्थापना की वसुदेव ने। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक हमें बताना है। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र श्रीपुल मावी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिमुक। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। और क्या हुआ था कि जो कन्नौ वंश का अंतिम शासक था या अंतिम राजा था सुशर्मा, सुशर्मा को मारकर मगध की गद्दी पर सातवाहन वंश का जो स्थापना की गई वह की गई सिमुक के द्वारा। ठीक है, और जो सातवाहन थे पहले इन्होंने मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहनों ने, लेकिन अंतिम कन्नौ राजा थे सुशर्मा, सुशर्मा को मारकर और सातवाहन वंश की इन्होंने स्थापना की। अगर इनकी राजकीय भाषा की बात करें सातवाहनों की, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? हमें बताना कि जो चरक थे या किसके राज चिकित्सक थे ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर है वह कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में जो चरक थे यह क्या थे? राज चिकित्सक थे। ठीक है, और चरक के द्वारा एक चरक संहिता की रचना की गई जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इनके दरबार में एक और थे नागार्जुन। ठीक है, चरक और नागार्जुन अगर पूछा जाए कि किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे या किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक और नागार्जुन। और अगर हम एक चीज की और बात करें कि 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में क्या हुई थी? एक शक संवत, शक संवत की शुरुआत हुई थी। और जैसे हम भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिस पर चलता है शक संवत पर, इस शक संवत की शुरुआत भी किसने की थी? यह कनिष्क ने की थी। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी नानाघाट अभिलेख और ऑप्शन डी नासिक अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है वह हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जो अभिलेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और खारवेल जो थे वह कलिंग के तीसरे राजवंश, जो तीसरा राजवंश हुआ जिसको हम चेदी वंश के नाम से जानते हैं, उसका शासक था। और खारवेल को ही एरा या महावेगवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को किसको, खारवेल को क्या कहा जाता है? एरा कहा जाता है। अगर कहीं एरा लिखा जाए तो किसके लिए लिखा जाएगा? ए कलिंग नरेश खारवेल के लिए लिखा जाएगा, या महामेघवाहन लिखा जाएगा, या कलिंगाधिपति लिखा जाएगा। तो यह सब किसके लिए लिखे जाएंगे? कलिंग नरेश खारवेल के लिए। और हाथी गुम्बा अभिलेख भी किससे संबंधित है? तो यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित यह अभिलेख है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।